अगर हम विद एग्जांपल देखें तो जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, कि जिसके अंदर कोई ना कोई रॉज क्रिएट हुई हुई हैं, कि ये पहली रॉ है, दूसरी रॉ है, तीसरी है, ये कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। पहले कॉलम के अंदर प्रोडक्ट आईडीज हैं, सेकंड के अंदर उनके कलर हैं, और फोर्थ के अंदर उसके प्राइस हैं। तो ये एक टेबल है, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई डेटा को स्टोर किया हुआ है। डेटा को किसी पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ कि ये पहले का प्राइस ये होगा और दूसरे, किसी टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड डेटा को लिखा हुआ, ठीक है। या आप ऐसे एग्जांपल लें कि जैसे ये है तो ये लिखा हुआ कि थर्ड ग्रेड जो है, ये उसके ऊपर सबसे जो है हेडिंग है कि ये थर्ड ग्रेड ग्रेड की क्लास है, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स हैं, ये उसके कुछ कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर कुछ रॉज हैं। तो इसको आप फिर एग्जांपल टेबल समझें। यही काम हम अगर अपने वेबसाइट के ऊपर करें, यानी कि HTML को इस्तेमाल करते हुए करें, तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन टैग्स हैं। वो टैग्स क्या है? वो टैग है, हमें अगर टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें टेबल का स्टार्टिंग टैग देना होता है, ठीक है। दोबारा से ये चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल्स आपको आज की लैब की सारी समझा दूँ। तो ये हमारे पास अगर टेबल हमने क्रिएट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास HTML टेबल का, ठीक है। तो टेबल में क्या है कि द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। द करंट कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रो बाय रो। तो HTML के अंदर हम जब भी कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो उसको हम कॉलम्स में नहीं, हम उसको बेसिकली रॉज में देख रहे होते हैं कि पहली रॉ है, दूसरी रॉ है, तीसरी रॉ है, ठीक है। तो कोई भी रॉ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप टेबल के बाद PR का इस्तेमाल करेंगे। एक टेबल क्रिएट करेंगे, अगर आपने एक पहला टेबल बनाना है तो ओपनिंग टेबल और क्लोजिंग टेबल के टैग के दरमियान आपने क्या इस्तेमाल करना है? TR। TR क्या है? टेबल रॉ। T फॉर टेबल और R फॉर रॉ। तो TR के क्या मतलब है? यू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ ईच रॉ, मतलब पहली रॉ को स्टार्ट करना है तो उसके लिए ओपनिंग TR और क्लोजिंग TR आपने यूज़ करना है, ठीक है। ओके, ये पहली रॉ है, ठीक है। फिर सेकंड आपने क्रिएट करनी है तो सेकंड ओपनिंग TR और क्लोजिंग TR। थर्ड रॉ क्रिएट करनी है, अब हर रॉ के अंदर मल्टीपल सेल हैं, जैसे कि ये पहली रॉ है, ठीक है, तो आपने इसके लिए एक TR बना दिया। अब इस TR के अंदर पहला A जो है ये पहला डेटा है, दूसरा डेटा जो है B है पहली ही रॉ के अंदर, तीसरा ये है। ये सारे डेटा क्रिएट करने के लिए आप TD यानी कि टेबल डेटा का टैग यूज़ करेंगे, मतलब TR ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में आपने पहला TD, दूसरा TD। तो एक रो के अंदर आप मल्टीपल टेबल डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम TR के अंदर फॉलोड बाय, इट इज़ फॉलोड बाय वन और मोर TD एलिमेंट्स, ठीक है। तो TD क्या है? TD जो है टेबल डेटा है। उस टेबल के अंदर डेटा क्या होगा? जो हम कॉलम्स बना रहे होते हैं कि ये जैसे ये रॉ है तो उसके अंदर ये पहला रो का पहला कॉलम के अंदर क्या है, तो वो हम टेबल डेटा, यहाँ पे कॉलम नहीं हम डेटा दे देते हैं, ये पहला कॉलम के अंदर ही आएगा। फिर उसी टेबल रो के सेकंड टेबल डेटा या सेकंड कॉलम के अंदर ये आएगा थर्ड में है। तो ये इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये टेबल डेटा हो गया। बाद अगर मैं आप लोगों को ये जो दो तीन टैग हमने टेबल रो टेबल डेटा के क्रिएट किए हैं, इसको मैं विद एग्जांपल दूं तो हम क्या करेंगे? टेबल हमने क्रिएट किया, जैसे सबसे पहली चीज़ देखी थी कि टेबल बनाने के लिए ओपनिंग टेबल और क्लोजिंग टेबल का टैग यूज़ किया, ठीक है। फिर आपने टेबल रॉ क्रिएट की, पहली रॉ, ठीक है, और इस रॉ के अंदर आपने पहला टेबल डेटा दे दिया, ठीक है। टेबल डेटा के बीच में जो भी मैं लिखूंगा वो पहली रॉ के पहले सेल के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ जो है इसको हम एक सेल कह रहे होते हैं,
ठीक है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है। तो एक सेल के अंदर कोई चीज लिखनी है तो वो टेबल डेटा के टैग में हम लिखें। अगर मैं लिख देता हूँ सपोज सीरियल, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और प्राइस लिखा आ गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखी आ गई। अच्छा, अब मैं ये मुझे टेबुलर फॉर्म में तो दिख नहीं रहा कि इसमें कोई टेबल तो क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन ये है अलग अलग टेबल डेटा। ठीक है, तो मैं इस काम करते हूँ कि इसको कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ, ताकि इनिशियली अभी हम इसकी स्टाइलिंग पढ़ेंगे, लेकिन मैं दे देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि ये रन करूँगा। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सबको नहीं आ रही या ये जी सर। सिर्फ सर आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही आ है? रही है, क्लियर ये थोड़ी देर है पहले मुझे, तो आ रही है। थी ना, थोड़ी देर पहले तो नहीं आ चैलेंज, रही थी जब सर किसी को शायद। नहीं आ रही हो तो वो उसी वक्त बता दे। ठीक है, तो जिस भी टाइम अगर आपको आवाज़ का इशू हो रहा हो तो उसी वक्त बता दे। ये हमने स्टाइल क्रिएट कर लिया कि भाई टेबल टेबल कहीं पे भी कॉल हो तो उसके ऊपर भी बॉर्डर क्रिएट कर देना, टेबल रॉ हो, टेबल डेटा हो, उसके ऊपर आप एक बॉर्डर क्रिएट कर देना। तो वो क्या करेगा, ये एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में अब आपको दिखने लग गया कि ये हमारे पास जो पहला टेबल की सबसे ऊपर की जो हमारे पास पहली रॉ है उसके अंदर ये चीज़ आ गई। ठीक है, हमने अभी इसमें क्या काम किया कि टेबल का टैग यूज़ किया है। ठीक है, उसमें टेबल रॉ पहली रॉ है ये, तो ये अभी नेक्स्ट लाइन पे नहीं आई, पहली ही रॉ है हॉरिजॉन्टल रॉ, और उसके अंदर जो कॉलम्स हैं यानी कि टेबल डेटा है ये तीन है, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा, तो ये तीन टेबल डेटा है। अगर मैं अब इसको कॉपी कर लूँ और एक और सेकेंड रॉ क्रिएट कर लूँ, सर आवाज हल्की हो गई आपकी। अभी ठीक है आवाज़? जी सर अब ठीक है, अब ठीक ठीक है। हुई है सर। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने ये चार टेबल रोज और इसको कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, अब ये चार रोज क्रिएट हो जाएंगी। पहली में हमने वन दे दिया। ठीक है, वन देने के बाद मैं इसकी प्रोडक्ट नेम में दे देता हूँ सपोज प्रोडक्ट नेम मैं दे देता हूँ चार्जर। लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ या टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें उसके पास क्या आइटम्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड क्या होगा कि इसको 003 दे दिया, इसमें इसके पास से प्रोडक्ट नेम में लेफ्ट। सेव करके रन करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस टेबल के अंदर पहले हमारे पास एक रॉ है, दूसरी पहले एक ही रॉ थी, अब हमने जब सेकेंड टाइम
रॉ को क्लोज कर दिया और यहाँ से दूसरी रॉ क्रिएट की। उस रॉ के अंदर तीन टेबल डेटा है, ठीक है, तो ये तीन टेबल डेटा आ गए, इसमें तीन है टेबल डेटा, तो ये तीन आ गए। तो इस तरीके से ये हमारी एक लिस्ट या एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ एक बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर है टेबल का, और हर सेल के ऊपर एक एक बॉर्डर क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे, अच्छा अगर मैं यहाँ से टेबल का बॉर्डर हटा दूँ तो क्या होगा, आउटर बॉर्डर तो क्लोज हो क्लियर हो जाएगा, सिर्फ ये एक हर सेल के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये एक हमने अपनी तरफ से एग्जांपल देख ली। वैसे आपको आपकी लैब में भी एक एग्जांपल गिवन है, इसको भी हम रन करके दिखा देते हैं। ये भी इसमें भी काम वही हो रहा है आपका, टेबल ड्रॉ, सेकंड टेबल ड्रॉ, ठीक है, और ये थर्ड टेबल ड्रॉ। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है सर आपको? सर आपकी आवाज आती आती एकदम ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, ये माइक का मेरे ख्याल से कुछ इशू है, चले मैं नेक्स्ट क्लास में माइक चेंज कर लूँगा। अभी तो आप लोगों को जैसे ही अगर रुके आवाज़ तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। अच्छा, ये भी आप लोगों की एक लैब की एग्जांपल है, टेबल ड्रॉ और टेबल डेटा को इसमें बताया हुआ किस तरह हो रहा है। ये स्टाइलिंग हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको बस होगा यही कि एक टेबल रॉ क्रिएट होगी, दूसरी होगी और तीसरी टेबल रॉ क्रिएट होगी। जब आप इसको रन करेंगे तो ये ऐसे एक टेबल बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये बन रहा था वैसे एक ये टेबल बन गया। इसमें बस ये आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रॉस किस तरीके से क्रिएट होती हैं और टेबल डेटा किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का हमारे पास कॉन्सेप्ट है टेबल हेडिंग्स का। तो हर टेबल के अंदर जैसे हमने इसमें तो कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है, ये तो सारा टेबल डाटा ही है, ठीक है। लेकिन हमने ये जो एग्जांपल की थी इसमें हमारे पास ये तो टेबल डाटा है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ज़ीरो, ये सब जो है सीरियल नंबर है, मतलब इसकी हेडिंग क्या है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम इसकी हेडिंग है, इन सब की जो हेडिंग है प्राइस। तो इस हेडिंग को इससे डिफरेंस करने के लिए एक हमारे पास टैग होता है TH का, यानी कि टेबल हेडिंग का, वो ऑटोमेटिकली इन सब को बोल्ड कर देता है। जहाँ जहाँ हम टेबल हेडिंग लगाएंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई टाइम टेबल क्रिएट करें तो उसमें ऊपर हमने डेज लिख दिए, इस तरफ हमने उसके कोर्स नेम लिख दिए या कुछ और लिख दिया, तो वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम दोनों तरीके से टेबल हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल हेडिंग आपके पास TH का टैग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द TH एलिमेंट इज़ यूज जस्ट लाइक TD, यानी कि आप TD जैसे टेबल डेटा यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से आप उसकी जगह पे टेबल हेडिंग यूज़ कर दें तो वो एक हेडिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, आइदर रॉ और कॉलम की हेडिंग क्रिएट करने के लिए। तो हम इसी के अंदर इसको जो हमारे पास ये वाला था इसमें यहाँ पे टेबल डेटा की जगह टेबल हेडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि ये
ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा जब हम इसको, ये देखें, जहाँ जहाँ हम हेडिंग यूज़ करेंगे वहाँ पे ये टेबल हेडिंग क्रिएट कर देगा, यानी कि ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, एक बोल्ड है और एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये टेबल हेडिंग काम कर रहा होता है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी, अगर मैं इसको टेबल हेडिंग कर दूँ, ठीक है, सीरियल नंबर है उनको मैं हेडिंग कर दूं एक तरीके से, तो क्या होगा, वर्टिकली भी हेडिंग आ गई और हॉरिजॉन्टली भी हेडिंग हेडिंग आ गई और ये टेबल डेटा आ गया। तो बस ये चीज़ है, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने कहाँ पे टेबल डेटा यूज़ करना है और कहाँ पे। टेबल डेटा और इसके लिए अलावा हमारे पास एक सेकंड कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग का, ठीक है। स्पैनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सपोज ये दो रॉज हैं, ठीक है, इन दो रॉज के ये टेबल डेटा के अंदर अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राइस लिस्टिंग के अंदर हमारे पास एक तो सैमसंग नोट 9 है, ठीक है, इसके प्राइस है 45,000, और उसी के साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट रखी है चार्जर, जो कि अगर हम सैमसंग नोट 9 लेंगे तो वो उसकी साथ ज़ाहिर है फ्री आता है, जब फ्री आता है तो उसकी प्राइस है 0। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये दोनों प्रोडक्ट तो अलग अलग लिखी रहे, लेकिन इनके प्राइस दोनों मर्ज हो जाएं, यहाँ से बीच में से ये दोनों जो रॉज हैं ये मर्ज हो जाएं। मर्ज को हम HTML में कहते हैं स्पैन। तो स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि होगा ये कि अगर जब मैं इसके ऊपर रॉ स्पैन लगाऊंगा तो रॉ स्पेन से इस ये रॉ और ये रॉ आपस में मर्ज हो जाएंगी, इन दोनों के दरमियान का ये जो लाइन आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक ही आ जाएगा और यहाँ दोनों की जगह पे सिर्फ 45,000 लिखा हुआ आएगा। मुझे रॉ स्पेन में बताना पड़ेगा, ये एक CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इस टेबल की प्रॉपर्टी है बेसिकली, CSS की नहीं, ये इस टेबल की प्रॉपर्टी है, हम इसमें स्पेनिंग कर सकते हैं। तो बस स्पेनिंग को आप ऐसे याद रखें कि ये दोनों रॉस को मर्ज कर सकते हैं, चाहें तो हम जैसे ये रॉस को स्पैन कर रहे हैं इसी तरीके से हम कॉलम को भी स्पैन कर सकते हैं, कि ये दो रॉस हो रही हैं तो ये दो कॉलम्स भी आपस में स्पैन हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते क्या हैं कि अगर मैं यहाँ से ये इसकी प्राइस रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पैन होके दोनों रॉस के ऊपर आ जाए, तो दोनों रॉस के ऊपर आने के लिए मैं इसके 45,000 वाले टेबल ओपनिंग टैग के अंदर लिखूंगा रॉ स्पैन, ठीक है, रॉ स्पैन की प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा 2, कि ये रॉ दो रॉस के ऊपर स्पैन हो जाए, मतलब कि ये पहली रॉ और ये दूसरी रॉ। तो जब ये दो के ऊपर स्पैन हो, उसको सेव करूंगा, ये आप देखेंगे कि ये स्पैन हो गया, ठीक है, ये दोनों रॉस को इसने मर्ज कर दिया। जिसको भी मैंने करना है मर्ज, उस वाले के ओपनिंग टैग को के अंदर मैं ये प्रॉपर्टी लिखूंगा और जितनी लिखूंगा उतनी ही वो आगे उसके आगे सिर्फ 1 पे रहेगा, 2 करूंगा तो ये नेक्स्ट वाले को भी अपने अंदर मर्ज कर लेगा, 3 करूंगा तो थर्ड वाले को भी मर्ज कर देगा। तो इस तरीके से आप रॉ स्पैन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ये इसे रॉ स्पैन करने के लिए ये काम करते हैं। इसकी भी आपको एग्जांपल गिवेन है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लैब की एग्जांपल आप वैसे खुद भी रन करके देख सकते हैं। किसी मूवी का या किसी टीवी का टाइम स्लॉट आ गया कि ABC चैनल है, BCC चैनल है, CNN चैनल है, तो इनके ऊपर इस टाइमिंग पे ABC के ऊपर मूवीज़ आती हैं और 7 to 8 पे भी मूवीज़ आती हैं। अगर दोनों पे मूवीज़ आ रही हैं तो उसने दोनों को स्पैन कर दिया और किसी भी एक के अंदर
जो पहला वाला है उसके अंदर मूवीज लिख दिया, बाकी इनको स्पैन नहीं किया उसने, इन रॉज को। तो इस तरीके से आप रॉज स्पैन कर रहे हैं कि ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, तो इन दोनों की रॉज को स्पैन कर दिया। और अगर आप चाह रहे हैं कि कॉलम स्पैन हो, तो वही टेबल डाटा के अंदर आप कॉल स्पैन लगा देंगे तो वो कॉलम स्पैन हो जाएगा। कॉलम स्पैन लिखने के लिए आपको कॉल स्पैन लिखना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि ये एग्जांपल है, तीन टेबल रॉस क्रिएट की हुई हैं, ठीक है? और तीनों में से पहली वाली के अंदर तो कोई स्पैनिंग नहीं है, ठीक है? और सेकंड और थर्ड के अंदर कॉलम्स को स्पैन किया हुआ है, ठीक है? किया हुआ है 2 पे, एक को किया हुआ है 3 पे। तो इसमें हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, ये पहली है, ठीक है? उसके बाद इसमें सेकंड वाली जो रॉ है, ठीक है, इसमें ज्योग्राफी के बाद स्पैन किया हुआ है, ठीक है? तो ये ज्योग्राफी दोनों के ऊपर आ गया, यानी कि यहाँ पे चार अगर रॉज हैं, ठीक है, चार कॉलम्स हैं या 5 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं 5 की बजाय, तो यहाँ पे 3 है। 3 है इसका मतलब इसमें 2 कम है, तो इसने इसको स्पैन किया हुआ है आपस में, इसको 3 स्पैन किया हुआ है। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी को इसने मर्ज कर दिया और ये जिम को 3 पे स्पेन कर दिया। तो ये जैसे हमने रॉज स्पेन की थी, इसी तरीके से हम कॉलम्स को भी स्पेन कर सकते हैं। तो ये कॉलम स्पेन की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इसको जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। इसके अंदर भी अगर हम, जैसे ये हमने रॉज स्पेन कर दिया, अगर मैं कॉलम स्पेन कर दूँ तो क्या होगा? अगर अच्छा, हाँ, इसके अंदर मैं आपको सपोज, ये हमारी प्राइस की लिस्ट है, मैं इसके अंदर ही आपको ये कर देता हूँ कि ब्रांड टोटल आ गया। और यहाँ सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये ग्रैंड टोटल आ गया, ये एम्प्टी हो गया और ये 70,000 आ गया, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रैंड टोटल दोनों के ऊपर स्पैन कर जाए। तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दोनों को स्पैन करना है। तो कॉलम स्पैन हम यूज़ करेंगे। जब कॉलम स्पैन यूज़ करना है तो इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं स्पैन तो 2 कर दूंगा, तो 2 करने पे यहाँ पे स्पैन हो जाएगा, ठीक है? आवाज़ आप लोगों को अभी भी नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? सर अब आ आ रही रही है है। सर, कैसे पहले होगा आ रही है? थोड़ी अच्छा देर पहले नहीं आ रही थी। ठीक है। ये कॉलम स्पैन इस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है? कॉलम स्पैन और रॉ स्पैन आप लोग टेबल डेटा के ऊपर या फिर टेबल हेडिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें कि 2 हेडिंग्स को मर्ज कर दें आपस में तो भी आप कर सकते हैं, टेबल हेडिंग के ऊपर लगा के, और चाहें तो रॉस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टेबल विड्थ एंड स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो टेबल विड्थ के अंदर क्या हो रहा है? द ओपनिंग टेबल टैग कुड बी ऑल्सो बी यूज एज द सेल्फ हेडिंग। अच्छा, किसी ने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि जब हमने ये स्टाइल इसकी की है, स्टाइल करने पे हमने जब बॉर्डर 1 दिया है, ठीक है, तो बॉर्डर 1 देने पे इनके दरमियान में इतना स्पेस क्यों आ रहा है? हर एलिमेंट के बीच में स्पेस क्यों आ रहा है? जबकि बाकी सेक्शंस को जब मैंने ये चीज़ कराई तो उन्होंने, सब ने यही क्वेश्चन किया कि ये स्पेस कैसे आ रहा है, ये स्पेस ख़त्म कैसे होगा। खैर, आप लोगों ने नहीं किया। इसको ख़त्म करने के लिए वैसे हमारे पास सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है, सेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है,
इस टेबल की बिल्ट इन प्रॉपर्टी है कि हम इस टेबल की विड्थ सेट कर सकते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग क्या कर रही है, सेल स्पेसिंग जो है वो इन जो भी हमारे पास सेल्स हैं उनके आपस में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उनको कम या ज़्यादा कर रही है, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ से स्पेस जो क्रिएट हो रहा है इसको कम या ज़्यादा कर रही है। इसको हम पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल के अंदर पिक्सल सेल्स हैं इनकी आपस में जो गैप आ रहा है वो जीरो पिक्सल पे आ जाएगा, यानी ये मर्ज हो जाएंगे। ये आपने देखा कि ये मर्ज होगा। ठीक है, ये टेबल पे भी ये सेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है जिससे आपकी जितने भी सेल हैं उनके आपस में स्पेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़ीरो पिक्सल पे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इन सब के दरमियान में थोड़ा स्पेस हो, मैंने इसको कर दिया कि 10 पिक्सल स्पेस हो, तो क्या होगा, ये देखें, ये आउटर बॉर्डर के दरमियान और इन सब के दरमियान 10 पिक्सल्स का स्पेस आ गया। जैसे हम कोई कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं या कुछ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर सेल या हर बटन डिफरेंट डिफरेंट दूर दूर होता है, उसके लिए मैं और उसको 20 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा कि ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। सर सर जी, हम स्टाइलिंग में 1 पिक्सल दे रहे हैं, हम 0 भी तो दे सकते हैं ना। 1 पिक्सल हम कहाँ पर दे रहे हैं, स्टाइलिंग में बॉर्डर पे दिया, बॉर्डर में, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप। ये तो जो आउटर बॉर्डर की विड्थ है ना, ये बता रहा हूँ बॉर्डर कितनी विड्थ पे है। मतलब कि अगर मैं आपको ये देखें, ये जो बॉर्डर है ना इसकी क्या वन दे रहा हूँ मैं, इसको दे देता हूँ, देखें ये इस बॉर्डर की क्या चौड़ाई है, ये बता रहा होता है कि ये 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 करते करते जब आप आएंगे तो हमने कितना दिया है, हमने 10 दिया, तो ये 10 पिक्सल इसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई इसकी 10 पिक्सल, हर किसी की चौड़ाई बॉर्डर की 10 पिक्सल, तो ये विड्थ इसकी कैलकुलेट कर रहा होता है अगर हम पिक्सल बॉर्डर की दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना हम सेल्स की, यानी कि इन दोनों, ये एक सेल चारों बॉर्डर इसके, अगर ये हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें, ये एक सेल है, इन इस सेल की और इस सेल के आपस में दरमियान में जो बॉर्डर है, मतलब इनके दरमियान में जो ये स्पेस आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वाइट स्पेस है यहाँ से यहाँ तक जो वाइट स्पेस है, ये सेल स्पेसिंग है। यानी कि जो हमने लास्ट लैब भी एक पढ़ी थी जिसके अंदर हमने मार्जिन्स पढ़े थे, तो वो मार्जिन्स वाला काम यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर रहा है। ठीक है, कि इसका आउटर मार्जिन कितना है, ठीक है, तो चारों तरफ से मार्जिन कितना है वो यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, आप इसको अगर 1 दे रहे हैं तो आप 1 दे दें। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, इसके बॉर्डर कितना होगी, लेकिन अभी भी दोनों में डिफरेंस दोनों के अंदर काफ़ी है, इनके दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी है, तो ये मार्जिन वाला काम सेल स्पेसिंग कर रहा होता है। मैं इसको कम कर दूं, मैं इसको 1 पिक्सल को कर दूं, डबल सी लाइन क्रिएट हो जाएगी, और ये 1 पिक्सल पे, अगर मैं 0 कर दूं तो ये दरमियान में से इसके स्पेस ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये आपका कर रहा होता है सेल स्पेसिंग। फिर हमारे पास जो हमारे पास लास्ट लैब में हमने देखा था कि मार्जिन काम कर रहा है, तो वो मार्जिन वाला काम यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर रहा है, यानी कि आउटर बॉर्डर्स के दरमियान आपस में जो जितने भी सेल्स हैं उनके दरमियान, ये जैसे हमने डिविजन्स के ऊपर किया था, तो आउटर जितने भी डिविजन्स हैं उनके दरमियान स्पेस है वो मार्जिन करता था, यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर रहा है क्योंकि सेल्स के ऊपर काम हो रहा है। और जो इनर हम उसमें देखते थे कि इंटरनल डिस्टेंस पैडिंग करता था, वो यहाँ पे सेल पैडिंग करता है कि ये जो भी आपका कॉन्टेंट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट का और इस बॉर्डर के दरमियान में कितना डिफरेंस है चारों तरफ से, ये पैडिंग देखती है। ठीक है, अगर इसको सेंटर में लाके चारों तरफ से 10-10 पिक्सल्स की पैडिंग दे दें हम, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और थोड़ा सा बॉक्स बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है सेल पैडिंग।
वो भी हम टेबल के अंदर ही डिफाइन करते हैं, टेबल टैग के अंदर। ठीक है, इसको टेबल के अंदर सेल पैडिंग, अब मैं पैडिंग दे दूं इसको। कोई मार्जिन तो नहीं है, यानी कि सेल स्पेसिंग तो नहीं है, लेकिन पैडिंग आने की वजह से यहाँ पे इसने 10 पिक्सल्स को छोड़ दिया इस टेक्स्ट, और इसके बॉर्डर से यहाँ पे 10 पिक्सल्स छोड़ दिए यहाँ पे, इसको बिल्कुल सेंटर में ले आया और चारों तरफ से इसको पैडिंग दे दिए। इंटरनल जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा होता है ये पैडिंग होता है, यहाँ पे भी इंटरनल पैडिंग, यहाँ पे भी, इस तरीके से ये पैडिंग काम करता है। ठीक है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो आपका आउटर मार्जिन वाला काम करता है। बस आपने ये याद रखना है कि इंटरनल डिस्टेंस आपने देना है कंटेंट से, तो वो आपके सेल के बॉर्डर तक का, तो वो सेल पैडिंग से यूज होता है, और एक्सटर्नल आपने मार्जिन क्रिएट करनी है चारों तरफ से, चारों बॉर्डर्स के दरमियान, तो वो सर ये काम क्या करता है? क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं आप इंसान, क्या चीज़ काम क्या करता है? सेल पैडिंग। अच्छा, सेल पैडिंग काम क्या करता है? सेल पैडिंग ये करता है कि जो आपका टेक्स्ट है और ये सेल का जो बॉर्डर है इनके दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये इस टेक्स्ट का और इसके बॉर्डर के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर मैंने 10 पिक्सल्स दिया है तो यहाँ इसके इस बॉर्डर के यहाँ से यहाँ तक 10 पिक्सल्स क्रिएट हो जाएंगे, जितनी ये सिलेक्टेड आइटम है, ये जो ब्लू एरिया आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का 10 पिक्सल्स का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 10 10 10, तो ये काम कर रहा होता है। अगर मैं इसको 10 की बजाय सेल पैडिंग को 20 कर दूंगा, आपको और डिफरेंस दिख जाएगा कि ये देखें, अब इसने 10 की बजाय 20 20 चारों तरफ से छोड़ दिया, ये सेल पैडिंग कर रहा होता है। और सेल स्पेसिंग क्या कर रहा होता है? अगर मैं इसको 0 की बजाय 1 कर दूं, तो ये आउटर इनके दरमियान का डिस्टेंस क्रिएट कर देगा 1 पिक्सल, सबको एक दूसरे से, सारे सेल को एक दूसरे से 1 1 पिक्सल्स दूर कर दिया इसने। पाँच पाँच पिक्सल्स छोड़ दिए हर सेल के, एक्सटर्नल जो है वो सेल स्पेसिंग कर रहा होता है और इंटरनल डिस्टेंस सेल पैडिंग क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, फिर विड्थ आता है हमारे पास। विड्थ क्या काम कर रहा होता है कि आपका जो ये बॉक्स है इसकी मिनिमम एक विड्थ सेट कर रहा होता है कि इसकी मिनिमम विड्थ क्या है, यानी कि ये सेल अभी तो हमने अगर कोई विड्थ नहीं दी हुई तो ये ऑटोमेटिकली जितना हमारा टेक्स्ट है उसके हिसाब से खुद ही सेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही उस बॉक्स की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ से पैडिंग ख़त्म कर दें तो ये बस जितना हमारे पास टेक्स्ट है उतना ही बड़ा बॉक्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम विड्थ सेट कर देंगे तो वो मिनिमम एक विड्थ सेट कर देगा कि मिनिमम ये विड्थ है। ठीक है, बाकी स्ट्रेच करके जितनी अगर बड़ा साइज आ रहा है उसको वो नीचे लेके जाता जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विड्थ दे दें, सपोज आप ये देखेंगे इसकी विड्थ हो गई 500 पिक्सल, यानी कि ये बॉक्स बड़ा हो गया। मैं इसकी विड्थ दे दूँ, और ये तो 200 पे फिट हो गया, लेकिन जब ये इसने देखा कि यहाँ पे आगे नोट नहीं था, लेकिन जब ये सिर्फ 200 पिक्सल से ज़्यादा हो रहा है तो उसने उसकी विड्थ एंड हो गई और यहाँ पे उसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर दी, इसको नीचे ले आया है। ये इस तरीके से काम कर रहा होता है, इसको और भी छोटा कर दूँ, अगर मैं 100 की बजाय 100 कर दूँ तो भी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर मैं 100 भी कर दूं तो फिर उसके बाद ये चीज़ देखेगा कि ये मिनिमम ये कितने पे आ रहा है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कर रही है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, अच्छा
इसके बाद हमारे पास अभी तक हमने देख लिया कि ये सेल पैडिंग क्या है, सेल स्पेसिंग क्या है, सेल की विड्थ क्या है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आपको गिवन है विड्थ की, इसको आप लोग रन करके देख लीजिएगा ये क्या क्या काम हो रहा है इसमें। अगर हम यहाँ पे इन्होंने 400 विड्थ दी हुई है, सेल पैडिंग 10 दी हुई है और सेल स्पेसिंग 5 दी हुई है, ठीक है। और ये तीन रॉस क्रिएट हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, तो आपकी ये क्रिएट हो गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो सिर्फ दो टेबल हेडिंग्स हैं, ठीक है, इसकी विड्थ इन्होंने 150 दी हुई है, बाकी की तो 400 हो लेकिन इनकी 150 हो, ठीक है। ये एम्प्टी वाला और बैलेंस वाला, तो ये जो एम्प्टी वाला है और बैलेंस वाला है इसकी विड्थ डिफरेंट है, बाकी एग्जांपल्स को आप लोग रन करके देखिएगा कि क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी है टेबल बॉर्डर एंड बैकग्राउंड की। तो बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो हमने अभी तक देख लिया, जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो यही हम बॉर्डर यहाँ पे भी दे सकते हैं टेबल की टैग के अंदर, ठीक है। और बैकग्राउंड से क्या होता है, बैकग्राउंड से आप बैकग्राउंड बैकग्राउंड के लिए बीजी आप यूज़ करेंगे। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप बीजी कलर लिखें, तो वो उस पूरे टेबल का, टेबल में आप अगर ये इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ये बीजी कलर। अगर आप टेबल रॉ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उस रॉ का कलर डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ एक हेडिंग या एक डेटा पे कर रहे हैं तो उस सिर्फ एक सेल का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर कर दूँ, बॉर्डर तो हमने ऊपर ही दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बीजी कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, ठीक है, बीजी कलर में रख देता हूँ सपोज, ठीक है, क्या होगा, जहाँ में होगा अगर डिस्कनेक्ट, सर आपकी आवाज कट रही है। बैक, ठीक है।